केली जाईल. सूरज पहिला चंडू आता आमचे खऱ्या अर्थाने लाईव्ह प्रसारण आपण पाहतो. मित्रांनो या रायगड जिल्ह्यामध्ये सुरुवातीच्या क्षेत्रामध्ये पनवेलमध्ये आम्ही ज्यांना अतिशय ब्रँड म्हटलं होतं लाईव्हच्या प्रसारांच्या माध्यमातून, आज मात्र 2019 आणि 2020 मध्ये खऱ्या अर्थाने पदार्पण नवीन वर्षाकडे आपण वाटचाल करत असताना निश्चित सुरुवात टेनिस विश्वामध्ये खऱ्या अर्थाने आज लाईव्ह प्रसारांच्या माध्यमातून निश्चित स्वरूपात साईप्रीतने फार मोठी गरुड भरारी घेतलेली आहे. त्यांचं आम्ही कौतुक करू कारण आपण नाईट स्पर्धेमध्ये त्या साईप्रीतला सर्व मेंबर्स असतील, आमचे मित्र संदेश शेलके असतील, प्रेम असतील, त्यांचे कॅमेरामॅन असतील, गुरु, खऱ्या अर्थात तुमचं आम्ही कौतुक करू. सर्वांची मनं जिंकली आपण लाईव्ह प्रसारांच्या माध्यमातून. आणि मला तर असं वाटतं की आता बरेच ठिकाणी तुम्हाला खऱ्या अर्थाने जास्तीत जास्त मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याचे एकमेव तुमच्याकडे असणारे क्लॅरिटी, त्याच्यानंतर सगळा खऱ्या अर्थाने जे क्रिकेट क्षेत्रामधील जे प्रेक्षकांना हवं असतं ते खऱ्या अर्थाने यूट्यूबद्वारा निश्चित स्वरूपात तुम्ही देण्याचं काम तुमच्या तीन शिलेदारांच्या माध्यमातून झालं. तुमचं स्वागत. त्याच्यानंतर आमचे डीजे मास्टर आकाश, तुझं अभिनंदन करू या स्पर्धेला खऱ्या अर्थाने अतिशय चांगल्या प्रकारे निश्चित स्वरूपात तुमच्या साऊंड सिस्टीमच्या माध्यमातून योगदान. बघा चंडू फक्त आता 2 मिनिटं शिल्लक आहेत, 2 मिनिटाच्या आत चंडू पडणं गरजेचं आहे. तर सामन्याकडे आपण बोलूया. पंचांच्या भूमिकेत नितीन पाटील खऱ्या अर्थाने कोपरोलीचे एक ताकदवर फलंदाज आणि दुसरे आम्ही पंच आम्ही पाहतो स्पेलक पंच आमचे खली अर्थात पालीचे खली म्हणून परिचित असणारे संगम एक अतिशय दमदार नाव आहे. त्याच्यानंतर क्रिकेट क्षेत्रातील एक दमदार क्रिकेटर. आरंभिक पहिली गेंद फेकणीकडे तयार. खानाव 11 क्रिकेट टीम की ओर से विजय. विजय ने पहले दिन सबको प्रभावित किया. बल्लेबाजी की बागडोर संभालते हुए परेश मस्कर, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सूरज पाटिल. बड़ा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले. गेंद हुआ में मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया. गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और 4 रन के मदद से परेश अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, टीम की रन संख्या जनमन नेरे क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 4. थँक्स डीजे मास्टर. खऱ्या अर्थाने तुमचं आम्ही कौतुक करू. गेंदबाजी केली एक बार फिर से विजय तातडे ओढ दी विकेट परेश मस्कर के लिए. ये देखिए धीमी गेंद थी, पहली गेंद थी, टपा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी. एक बार बिल्कुल ओवर थ्रो और उसका कामयाजा. बल्लेबाज को एक भी रन नहीं यहाँ पर मिला या बटोरने का मौका था, वहां पर मात्र 1 रन मिला. और नितिन पाटिल मैन प्रमुख कोपरोली हमें इशारा करते हुए कि 22 का इशारा आया, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी हुई. इसी एक अतिरिक्त रन के मदद से जानमान नेरे क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुके बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 5. आप खेलने के लिए तैयार है सूरज पाटिल. टीम के अनुभवी खिलाड़ी सामना करेंगे विजय तातड़े के गेंदबाजी का. ये मैच 5 ओवर का मैच खेला जा रहा है. काफी बड़ा संघर्षमय मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को देखने मिल रहा है. ये देखिए लो फुल टॉस गेंद थी, कलाई के सारे नजाकत 12 स्ट्रोक. गेंद जा रही है शॉर्ट गली के रीजन में, गेंद जाती हुई वहां पर फील्डिंग की गई, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 1 रन लेने का. और इसी 1 रन के मदद से टीम की रन संख्या जानमान नेरे क्रिकेट टीम की बगैर कोई क्षति की 6. पहली गेंद के ऊपर परेश मस्कर ने चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया, अपने पारी की शुरुआत की थी. एक बार फिर से विजय तातड़े गेंदबाजी के लिए तैयार और दी विकेट. ये देखिए बढ़िया गेंद थी, शातिर गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी. पहले गेंद के ऊपर चौका आने के बाद भी पूरी तरह से दबाव को हटाकर विजय तातड़े यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए निश्चित रूप से क्या कमाल की गेंद थी. पहले गेंद के ऊपर 4 रन, दूसरे गेंद के ऊपर 1, तीसरे गेंद के ऊपर 1 और चौथे गेंद के ऊपर 1. लगातार 3 गेंदें ऐसी फेंकी कि आप बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी नहीं मिली. इस ओवर की 5वीं गेंद फेंकने की तैयारी विजय. ये देखिए जोरदार प्रहार किया, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जाती हुई, अंपायर नितिन पाटिल का इशारा आता हुआ, गेंद सीमा पार 4 रन. थैंक्स डीजे मास्टर. और 4 रन के मदद से टीम के रन संख्या जानुमा नेरे क्रिकेट टीम की 10. विजय
पांच ओवर का ये मुकाबला है। निश्चित रूप से पहली ओवर प्रगति पथ पर और पहले ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए विजय तैयार। ये देखिए गेंदबाजी में करीबी मामला हो सकता है। परेश मस्कर के पारी का अंत होता हुआ और जिस विकेट के लिए जाल बिछा था बड़ा विकेट मैदान से बाहर। अभी भी रुका हुआ स्कोर है जर्मन 11 क्रिकेट टीम नेरे क्रिकेट टीम का। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खोने के बाद 10। थैंक्स डीजे मास्टर आमचे इथे लोकप्रिय पंच आदरणीय जावेद फरी सर मॅन फ्रॉम कल्याण आणि सुनील पाटील सर मॅन फ्रॉम मुरबी यांचं आगमन झालेलं आहे। जावेद फरी सर आणि सुनील पाटील सर आपण मैदानाचा ताबा लगेचच घ्यायचे आहे। हां तर नितीन पाटील आणि संगम भोईर यावं आपण कमिटी मेंबर्स आहेत। सचिन मुंडे गोलंदाजीसाठी निश्चित सुरुवात घेत बाजी केली संगम आणि नितीन पाटील यांना आम्ही आमंत्रित करतो। हा जावेद फरी सर जावं आपण मैदानात आणि सुनील पाटील सर जावेद फरी सर आणि सुनील पाटील सर तुम्ही जायचे मैदानामध्ये अतिशय प्रेक्षणीय लढत आपण पाहतो। जावेद फरी सर आपसे निवेदन है कि आप जाइए विकेट के ऊपर आपकी जो जिम्मेदारी है यानी कि अंपायर की। हा नितीन पाटील आपण यावर स्टेजकडे तुमचं आम्ही स्वागत करू एक अतिशय चांगल्या प्रकारे पंचांच्या भूमिकेत निश्चित स्वरूपात। परंतु आता जावेद फरी तिथे आलेले आहेत संगम संगम भोईरचं कौतुक करावं लागेल। आयोजक आहेत या क्रिकेट स्पर्धेचे संगम भोईर खऱ्या अर्थाने अतिशय चांगला दमदार योगदान या क्रिकेट स्पर्धेला। त्याच्यानंतर रोहित पाटील असतील आमचे फोर पाय आशिष असतील। संगम अभिनंदन खऱ्या अर्थाने केवलेच्या मैदानावर प्रथम क्रमांक विजेता ठरलेला संघनायक संगम भोईर अभिनंदन तुझं। तर संगम भोईरने काल आतषबाजी केली ज्या प्रकारे त्यांची शरीरयष्टी आहे तशीच फलंदाजी संगमच्या माध्यमातून केवलेच्या मैदानावर झाली। मित्रांनो दोन षटकार लागोपाडच्या दोन चेंडूंवर जलबाजी अंपायर मैदान के अंदर दोनों अंपायर आदरणीय जावेद फरी सर और सुनील पाटील सर। काफी बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में संघर्ष भरा मुकाबला यहां पर देखने मिल रहा है। अब टीम की कप्तान सचिन मुंडे गेंदबाजी के लिए तैयार। पहले ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। राउंड विकेट सूरज पाटील के लिए नौशनाई के बल्लेबाजी किरण पाटील। ये देखिए गेंद हवा में और यहां पर बढ़िया कैच पकड़ा। क्या कमाल का कैच है मानो लग रहा था गेंद जाएगी फाइनल के रीजन में लेकिन छलांग लगाकर कैच को पकड़ लिया और इसी के साथ सूरज पाटील के पारी का अंत होता हुआ। थैंक्स डीजे मास्टर और इसी के साथ सूरज पाटील के पारी का अंत होता हुआ। सूरज पाटील अपने टीम के लिए एक रन का योगदान देकर पहले में लौट रहे। आप सूरज पाटील आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज प्रथमेश आप जिम्मेदारी होगी किरण के कंधे के ऊपर। किरण खेलने के लिए तैयार। सचिन मुंडे बढ़िया गेंदबाजी पहले गेंद के ऊपर बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया। राउंड विकेट सचिन मुंडे। किरण के लिए ग्लांस किया इस बार गेंद जा रही है फाइनल रीजन में। गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर अंपायर जावेद परिसर का इशारा था वह गेंद सीमा पार चार रन। टीम की रन संख्या 14। सचिन मुंडे गेंदबाजी के लिए तैयार। ओवर द विकेट किरण पाटील के लिए। ये देखिए गेंद हवा में है और इस बार गेंद के नीचे बड़ा यहां पर कैच गलतियां की और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यहां पर निश्चित रूप से कैच को लपक लिया था राकेश ने लेकिन डीप एक्स्ट्रा गोल के जो फील्डर है उन्होंने काफी गलतियां की मेरे हिसाब से।
उन्हें बीच में आना नहीं चाहता था, राकेश खड़े थे, अच्छा प्रयास था, कैच पूरी तरह से हाथ में था, लेकिन बिल्कुल यहां पर गलतियां की। ये देखिए, और जीवनदान कौन से बल्लेबाज को मिला, किरण पाटिल जैसे धाकड़ बल्लेबाज को जीवनदान मिला, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे। और ये देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट, आप दबाव पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर, और इन दो रन के मदद से टीम के रन संख्या जर्मन नेरे 11 क्रिकेट टीम की एक विकेट खोने के बाद 5-15 यहां पर रख दी, 22 सॉरी माफ कीजिए, टीम के रन संख्या हो चुकी है 22। गेंदबाजी के लिए सचिन मुंडे तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज निश्चित रूप से आक्रमक बल्लेबाज किरण पाटिल, वो दी विकेट। ये देखिए जोरदार प्रहार किया है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट रीजन में, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, गुड रनिंग मिड विकेट, दो रन आसानी के साथ पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज, और दो रन के मदद से जानुमा नेरे क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है एक विकेट खोने के बाद 24। किरण पाटिल को जीवनदान मिला निश्चित रूप से न होनार बल्लेबाज, हालांकि नेरे क्रिकेट टीम की बात करें तो दो विकेट नेरे क्रिकेट टीम ने जल्द खो गए थे परेश और सूरज के रूप में, लेकिन उसके बाद में डूबती हुई नैया को पार लगाती हुई ये बल्लेबाज। ये देखिए येलो पुल टॉस गेंद, और इस बार गेंद को फेंक दिया डीप स्वेल के ऊपर से 6 रनों के लिए, और किरण को जीवनदान मिला उसका फायदा उठाते हुए, और ये खामियाजा खानाव क्रिकेट टीम को भुगतना पड़ रहा है। थैंक्स डीजे मास्टर, और इसी के साथ एक महंगे ओवर की समाप्ति सचिन मुंडे द्वारा, दो ओवर की समाप्ति के बाद का निश्चित रूप से जानुमा नेरे क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है दो विकेट खोने के बाद 30। इस ओवर की बात करें तो सचिन मुंडे का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, एक ओवर 20 रन और एक मात्र सफलता। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए तब्दीली, गेंदबाजी में तब्दीली ने गेंदबाज हम देख रहे हैं खानाव 11 क्रिकेट टीम के सबसे ताकतवर गेंदबाज विजय तातड़े का गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे प्रथमेश। नेरे क्रिकेट संघाचा जर विचार केला आमचे परम मित्र सागर मांडवकर, एक उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक ज्यांचा वाढदिवस आम्ही 23 तारखेला आपण सर्वांनी आनंद उत्सवाने साजरा केला, तो सागर मांडवकर खऱ्या अर्थाने या गावचे आमचे समालोचक क्षेत्राची ओळख, त्याच्या वतीने सुद्धा दोन्ही क्रिकेट संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा। तो गेंदबाजी केली, गेंदबाज एक बार फिरसे तयार, विजय ओर दी विकेट, तिसरे ओवर की पहिली गेंद। ये देखे क्लिंग बॉल दोस्तों, कमाल की वापसी, और ये बल गेंदबाज को खानाव क्रिकेट टीम का सबसे बेहतर गेंदबाज क्यों माना जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण बल्लेबाज को क्लीन बॉल आउट करके उन्होंने साबित करके दिखाया कि उनकी सोच क्या है। तर निश्चित स्वरूपात कल्पेश जो आपला खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेची आन बान आणि शान ज्याला आपण म्हटला जातो, बेल खऱ्या अर्थाने सीमेरेचे जे पडदा आहे त्याला आपण व्यवस्थित करायचे आहे। निश्चित स्वरूपात ज्याला खऱ्या अर्थाने हॅलो ओके, तर खाणाव क्रिकेट संघाला सपोर्ट करण्यासाठी आपण पाहतो माजी सरपंच लहूदादा पाटील, आणि त्याचबरोबर ज्यांचा काल वाढदिवस आपण साजरा केला ते संदीपदादा पाटील क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा देतात की चिंतामणी शेळके यांची स्पर्धा खऱ्या अर्थाने ही आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये अविस्मरणीय राहील। चिंतामण पहिली स्पर्धा आम्ही पाहतो, बायकर बाईक गाडी ते स्पॉन्सरशिप करण्यात आलेली आहे। गेंदबाजी केली, गेंदबाज तयार, विजय पडिया गेंद फेकी दी विजयने, लो पुल टॉस गेंद, और ये देखिए निश्चित रूप से थोड़ा यहाँ पर दिशा से भटके, और यहाँ पर अंपायर सुनील पाटिल सर हमें इशारा करते हुए कि गेंद लेस्टम से काफी बाहर, तब तक दोनों बल्लेबाजों को अपना छोर बदलने का मौका मिला 1+1। इन दो रन के अतिरिक्त रन के मदद से जानमान नेरे क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है तीन विकेट खोने के बाद 32। आउट होने बल्लेबाज है परेश मस्कर, और उसके बाद में सूरज पाटिल और प्रथमेश, ये तीन महत्वपूर्ण बल्लेबाज पैल में लौट रहे, और बल्लेबाज अब खेलने के लिए किरण पाटिल तैयार। ये देखिए यॉर्कर गेंद, इस प्रतियोगिता की सबसे डेंजर गेंद,
आज का अंतिम दिन है दोस्तों, हर एक तेज गेंदबाजों की हमने गेंदबाजी देखी है, गेंदें फेंकी, बल्लेबाजों को भी क्लीन बोल्ड आउट किया, लेकिन ये इतनी खतरनाक गेंद थी, एक बार चकमा देंगे तो बल्लेबाज को घर का रास्ता नापना पड़ता है, और यहाँ पर बल्लेबाज भी पूरी तरह से बीट हुए, चकमा मिला बल्लेबाज को, और स्वकिरण पाटिल जैसे धाकर बल्लेबाज को यहाँ पर घर का रास्ता नापना पड़ रहा है, और ये विकेट नंबर 14 गिरता हुआ नेरे क्रिकेट टीम का। थैंक्स डीजे मास्टर, बिल्कुल हमारे साथी बिल्कुल मनोहर पाटिल हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट में क्रिकेट की देवता सचिन तेंदुलकर, और क्रिकेट के बिल्कुल क्रीड़ा क्षेत्र में सबसे खतरनाक गेंद कौन होती है, बल्लेबाज के दृष्टि खिलाड़ी के दृष्टिकोण से सचिन तेंदुलकर और दूसरी यॉर्कर, ये यॉर्कर गेंद थी, और मेरे हिसाब से यॉर्कर किंग गेंदबाजी है, काफी बढ़िया गेंदबाजी, दोनों बल्लेबाज को जब क्लीन बोर्ड आउट किया था ना प्रथमेश को, तो भी गेंद बिल्कुल ये यॉर्कर गेंद फेंकी थी, अभी ये बल्लेबाज को आउट किया यॉर्कर गेंद, यानी क्रिकेट का बड़ा आश्रम माना जाता है, और ये होती है बड़े गेंदबाज की पहचान। नए गेंदबाज ऑन हैट्रिक, नए गेंदबाज सुशा, किरण ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की, किरण आपका अभिनंदन, बढ़िया बल्लेबाजी हुई मेरे क्रिकेट टीम की, ऑन हैट्रिक जोरदार तालियां। ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को कट किया है, गेंद जा रही है शॉर्ट गली के रीजन में, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, और इसी एक रन के मदद से सुशांत अपने पारी की शुरुआत करते हुए, अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए अपना खाता खोला टीम की रन संख्या यहां पर जानमान नेरे क्रिकेट टीम की, चार विकेट खोने के बाद 33, अभी खेलने के लिए तैयार नए बल्लेबाज ऋषि पाटिल खेलने के लिए तैयार। नेरे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें, शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, परेश मस्कर ने चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी, इनिंग की शुरुआत की थी विजय। ये देखिए बढ़िया गेंद, लैब यहां पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर सुनील पाटिल सर का ये सही डिसीजन होगा, हालांकि बैट पर लगी थी, और ये पैरों के ऊपर टकरा जाती ना तो हरी निश्चित रूप से ये बल्लेबाज को भी घर का रास्ता नापना पड़ता था, बल्कि बल्लेबाज मिडल स्टंप के नजदीक पा गए थे, लेकिन गेंद कहां पर लगी, यहां पर मिडल स्टंप, यहां पर बल्ले पर लगी, तारीफ, लेकिन ये बल्लेबाज के पास क्षमता है, बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, बल्ले खेलने की क्षमता है, और अभी भी मौका है, जिस तरह किरण ने बल्लेबाजी की कि नैया जब बीच बॉवर में फंसी थी तब किरण पाटिल ने काफी दमदार बल्लेबाजी की, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन उसके बाद में आप नैया बीच बॉवर में, ये देखिए गेंद हवा में है, लेकिन वहां पर फील्डर नहीं है, सिली मिड ऑफ के रीजन में गेंद जा रही है, एक ही रन मिलेगा, एक रन के मदद से ऋषि अपने पारी की शुरुआत करते हुए, ऋषि ने अपना खाता खोला टीम के रन संख्या जानमा नेरे 11 क्रिकेट टीम की, चार विकेट खोने के बाद 34, अब एक बार फिर से यॉर्कर किंग, खानाव के यॉर्कर किंग विजय तात्रे बल्लेबाज गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज सुशांत मिडल ऑर्डर का एक धाकड़ बल्लेबाज है, और उम्मीद करते टीम के कप्तान क्या करिश्मा देख रहे, कौन गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी होते हैं कि या बल्लेबाज या आप मिडल स्टंप के नजदीक, बिल्कुल अंपायर की उंगलियां आसमान में, लेग बिफोर सफल ओवर की समाप्ति, गोल्डन ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद जानमान नेरे क्रिकेट टीम के रन संख्या पांच विकेट खोने के बाद यहां पर 34। ड्रिंक्स ब्रेक मैदानात, मैदानाच्या आतमध्ये खऱ्या अर्थाने जात असताना ऋतिक आणि ऋतिक भगत मोरबे यांच्या वतीने सुद्धा या क्रिकेट स्पर्धेला, ऋतिक कमलाकर भगत मोरबे यांच्या वतीने सुद्धा मी या स्पर्धेला शुभेच्छा देतो, आणि हा ऋतिक मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना, आता मैदानाच्या आतमध्ये खऱ्या अर्थाने नवीन फलंदाज पाहतो, निश्चित स्वरूपात निश्चित रूप से बल्लेबाज यहाँ पर सुशांत आउट होने के बाद मैदान के अंदर जा रही है नए बल्लेबाज, जिनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, शरीर दृष्टि देख सकते हैं, कितनी ताकतवर खिलाड़ी है, आणि नेरे हरी जर नेरे क्रिकेट संघाचा ज्या प्रकारे तुमचा पालेगाव कुस्ती क्षेत्रामध्ये अग्रेसर मानला जातो, तसं नेरे गावाला सुद्धा इतिहास आहे, या गावामध्ये चांगले क्रिकेटर आणि मल्ले कुस्ती मल्ले सुद्धा, आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्वाधिक मोठी कुस्ती स्पर्धा जर महाशिवरात्रीच्या शुभमुहूर्तावर कुठे होत असेल तर त्याचं श्रेय खऱ्या अर्थाने नेरे गावातील ग्रामस्थांना दिलं जातो, मोठी कुस्ती स्पर्धा असते। तर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो इथे आमचे आदरणीय दीपक दादा शेलके, ज्यांचं आम्ही कौतुक करू, दीपक दादा तुमचे फार मोठे योगदान या स्पर्धेला, आजचा पाचवा दिवस, अनंत शेलके, त्याच्यानंतर पंढरीनाथ द
दादा पाटील यांच्या वतीने स्पर्धेला सकाळी खऱ्या अर्थाने शुभमुहूर्त तयी केला. 1001 रुपयांचं देणग्या स्वरूपामध्ये तयी आर्थिक सहकार्य केले त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. अब्दुलवाले छोटे गेंदबाजी में तब्दीली ने गेंदबाज रोशन स्ट्राइकर बल्लेबाज है निश्चित रूप से ऋषि और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे रोशन पाटील. रोशन पाटील जिनके पास काफी ताकत है, ताकतवर खिलाड़ी है, लेकिन देखा जाए तो अपने टीम के लिए किस तरह का यहाँ पर योगदान देते. ऋषि खेलने के लिए तैयार. आप जिम्मेदारी होगी, बागडोर होगी ऋषि के बल्लेबाजी के ऊपर. रोशन राइट हम और दी विकेट मारा करने के लिए तैयार. सामना करेंगे ऋषि पाटील. ये देखिए गेंद ऑफ टर्म से काफी थोड़ी बाहर से गुजरती हुई. गेंदबाज अंपायर जावेद परिसर हमें यहाँ पर इशारा करते हुए कि गेंदबाज दिशा से भटके और दिशा से भटके तो जरूर मिलेंगे फटके. यानी कि जावेद परिसर ने यहाँ पर हमें इशारा किया कि गेंद ऑफ टर्म से काफी बाहर वाइड गेंद करार. टीम के रन संख्या यहाँ पर जानमान नेरे क्रिकेट टीम की 5 विकेट खोने के बाद 35. रोशन ये देखिए गेंद हवा में जरूर दी लेकिन इस बार कप्तान सचिन ने गलतियां की. जहां एक रन आप भी मौका था लेकिन थो गलत आया और उसका पूरा खामे फायदा दोनों बल्लेबाज उठाते हुए और इन दो रन के मदद से ऋषि पहुंच रहे. अभिजीत 3 पर 4 गेंदों का सामना किया है. टीम के रन संख्या कुल बन चुकी है एग्रेसर होती हुई जानमा नेरे 11 क्रिकेट टीम की 5 विकेट खोने के बाद 37 हो चुकी है 5 विकेट खोने के बाद. ऋषि यहां पर रोशन ऋषि ने यहाँ पर बल्ले का पेस खोला है लेकिन डाउन दी फील्डर बल्लेबाज ऋषि के पारी का अंत होता हुआ और ऋषि बिल्कुल विकेट नंबर 6 गिरता हुआ नेरे 11 क्रिकेट टीम का. थैंक्स डीजे मास्टर. यहाँ पर डीजे मास्टर आकाश आपका भी हम जिक्र करते हैं बिल्कुल. और हमारे साईप्रीत लाइव के सर्वे सर्वा खास तो हमारे दोस्त संदेश शेलके प्रेम वाघमारे विनय. और ये गेंद डॉट गेंद थे की बढ़िया गेंद बढ़िया शातिर गेंदबाजी निश्चित रूप से और बल्लेबाज रोशन पूरी तरह से चकमा खा बैठे. मैदान के अंदर हम देख रहे नए बल्लेबाज कुणाल गायकार. गेंदबाज है निश्चित रूप से रोशन. गेंदबाजी के लिए तैयार. सामना करेंगे रोशन. एक आक्रामक बल्लेबाज है, ताकतवर खिलाड़ी है रोशन. ये देखिए और इसी के साथ एक बार डॉट गेंद फेंकी. एक कमाल की गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, जाजीपुल गेंदबाजी, नजरों में जज्बा आता हुआ ये गेंदबाज के हालांकि नजर आ रही है बिल्कुल बल्लेबाज को कमी की, बल्लेबाज के कमी की बिल्कुल कमी को परख कर इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी हो रही है. लेकिन रोशन ने क्या करना चाहिए, दबाव को हटाकर विपरीत परिस्थितियों में एक बल्लेबाजी करनी चाहिए. यह भी काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है. अभी यहाँ पर ऑफ टर्म से बाहर जाने वाले गेंद के ऊपर बिल्कुल करारा स्ट्रोक खेला है. दूसरे के लिए दौड़ रहे बल्लेबाज. गुड रनिंग बिन द विकेट. यहाँ पर और थ्रो लेकिन निश्चित रूप से 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ा है. 2 रन के मदद से रोशन पाटिल अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला. टीम के रन संख्या कुल बन चुकी है जानमन नेरे क्रिकेट टीम की यहाँ पर 6 विकेट खोने के बाद 39. हमारे साथी स्कोरर यहाँ पर हरी शेल के काफी बढ़िया योगदान देते हुए कमिटी मेंबर्स है इस प्रतियोगिता के लिए काफी अच्छा योगदान है. ये देखिए और इसी के साथ एक ही रन मिलेगा बिल्कुल. और अंपायर बिल्कुल यहां पर हमें इशारा करते हुए कि ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति. 4 ओवर की समाप्ति के बाद जानमन नेरे क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है 6 विकेट खोने के बाद 40. थैंक्स डीजे मास्टर. याच्यानंतर बघा जी लढत होणार आहे अक्षय 11 कुडावे विपक्ष जानुमान वल्लभ क्रिकेट संघाला आमचा पहिला पुकार असेल. आज षटक संपण्याच्या अगोदर तुम्हाला या मैदानावर येणं गरजेचं आहे. आमचे आयोजक चिंतामणी शेलके त्याचबरोबर संगम भोईर त्यांचे सर्व संपूर्ण जानुमान क्रिकेट संघाची संपूर्ण टीम इथे सज्ज आहे. मित्रांनो पाली ग्रामस्थांचं सुद्धा कौतुक करावं लागेल, अभिनंदन करतो आम्ही त्यांचं. कारण ही स्पर्धा किंजल ट्रॉफी म्हणून ओळखली जाईल स्वर्गीय सुरेशबुवा शेलके यांच्या स्मरणार्थ. परंतु याचं श्रेय आमचे मित्र चिंतामणी शेलके आणि त्यांच्या सहकार्याने संपूर्ण ग्रामस्थांना दिलेलं आहे. गेंदबाज ओवर द विकेट मारा करण्याकरता तयार नाही. गेंदबाज कुणाल पाटील इस बार गेंद को खेला बिडाउन के बिल्कुल फलोदर के रीजन में गेंद जाती हुई. फील्डर वहां पर रोशन तैयार लेकिन जब तक गेंद उठाए तब तक गेंदबाज दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का समय मिला.
इसी एक रन के मदद से टीम के रन संख्या जनमन नेरे क्रिकेट टीम की 6 विकेट खोने के बाद 41। अब कुणाल खेलने के लिए तैयार, सामना करेंगे कुणाल के गेंदबाजी का। ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया है मिड विकेट क्षेत्र में, राकेश वहां पर तैयार थे बिल्कुल, एक रन आसानी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए बिल्कुल तारीफ करनी होगी कुणाल की, कमाल की रनिंग विकेट के छोटे गेंद के बल्लेबाज है लेकिन रनिंग विकेट विकेट काफी अच्छे और इसी दो रन की मदद से कुणाल अपने पारी का श्री गणेश करते हुए कुणाल ने अपना खाता खोला। टीम के रन संख्या बढ़ती हुई टीम की 6 विकेट होने के बाद 43 यानी कि 43। कुणाल के लिए गेंदा हुआ मैच छोटा तीर खाउ करे गंभीर और ये छोटे गद का दायरा गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन के मदद से जर्मा नेरे क्रिकेट टीम का स्कोर आप छल्लम मारता हुआ 6 विकेट के मुस्ताब पे 49। जब कमाल की बल्लेबाजी कुणाल का जिक्र करता होगा, उम्र काफी कम है लेकिन बड़ा स्कोर के लिए जाना जाता है, आप दबाव के पास के ऊपर कुणाल के ऊपर ये कुणाल अपनी दिशा से बढ़ के अंपायर जामेद परिसर इशारा करते हुए वाइड गेंद करार और अतिरिक्त रन के साथ जर्मन नेरे 11 क्रिकेट टीम के 50 रन कम्प्लीट। जोरदार तालियां बजाकर जर्मन 11 क्रिकेट टीम का अभिनंदन करें, आज के दिन में पहला 50 बिल्कुल 50 रन बना चुकी है पहले बल्लेबाजी करने वाली क्रिकेट टीम और आप आगे अग्रसर होती हुई नेरे क्रिकेट टीम। शेष गेंदें बची है, धीमी गेंद थी, बढ़िया गेंद देखी कुणाल ने लेकिन कुणाल की भी तारीफ करनी चाहिए, खानव 11 क्रिकेट टीम के ये अच्छे गेंदबाज है, कम उम्र के खिलाड़ी गेंदबाज भी अच्छे गेंदबाज भविष्य में बनेंगे और ये बल्लेबाज को भी हमने देखा कुणाल को जिस तरह उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया फुटवर का वापर करके 6 रनों के लिए गेंद को बिल्कुल फेंक दिया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, तो भविष्य में ये खिलाड़ी भी एक अच्छे दमदार बल्लेबाज बनेंगे। पूरी तरह से टर्न हुई गेंद अंदर की तरफ आई और इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति। कुणाल गेंदबाजी के लिए तैयार, ये देखिए शानदार वापसी की कुणाल ने और इसी के साथ अंपायर जावेद परिसर का इशारा आता हुआ इनिंग्स की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद जानमान नेरे क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है 6 विकेट खोने के बाद 50 और जीतने के लिए गांव देवी खानाव क्रिकेट टीम के सामने 51 रनों का लक्ष्य। थैंक्स डीजे मास्टर, याच्यानंतर शेवटचा पुकार जानुमान वल्लभ आणि अक्षय 11 कुडावे। तर निश्चित स्वरूपात तुम्ही जर वेळेवर आले नाहीये तर आज आमच्या आयोजक चिंतामणी शेलके यांच्याकडनं आमच्याकडे सूचना आम्हाला खऱ्या सातत्याने देण्यात आलेली आहे, जो संघ उशिरा येईल सामना कमी षटकांचा खेळवला जाईल। जर आता हा सामना मी 5 षटकांचा खेळलो तर अभिनंदन करू जानमान क्रिकेट संघ नेरे आणि गावदेवी खानाव क्रिकेट संघातील संघाने आणि त्यांच्या खेळाडूंचं आम्ही अभिनंदन करू, कारण नेरे विभागामध्ये चिंतामणी शेलके आम्ही प्रथमच पाहतो की पहिला चेंडू डे स्पर्धेमध्ये ठीक 9 वाजता पहिला चेंडू विकेटवर पडला आणि नोंद सातत्याने खऱ्या अर्थाने विभागामध्ये केली जाईल। आज खूप मोठी चर्चा होईल या स्पर्धेची की पहिला चेंडू ठीक 9 वाजता विकेटवर आदळला गेला। संदेश शेलके सुद्धा ही माहिती साईप्रीतच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने प्रेक्षकांपर्यंत आणि खेळाडूंपर्यंत आणि आयोजकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतील, कारण आता लोकांना खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे ठाणे जिल्ह्यामध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये पहिला चेंडू फेकला जातो तशाच प्रकारे चेंडू आज आपल्या विभागामध्ये सुरुवात झाली। मित्रांनो ही सुरुवात आपण यावर खऱ्या अर्थाने 2020 च्या काय खऱ्या अर्थाने या नवीन वर्षामध्ये या विभागामध्ये अशा प्रकारे सुरुवात निश्चित स्वरूपात केली जाणार आहे प्रत्येक आयोजन कमिटीच्या वतीने। थैंक्स। इस ओवर में बात करें तो खानाव 11 क्रिकेट टीम के गेंदबाज कुणाल ने इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की। हरी यदि बात करें हमारे साथी स्कोरर है, दूसरे गेंद के ऊपर छक्का आया था कुणाल, बिल्कुल कुणाल ने छक्का दागा नेरे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से, लेकिन उसके बाद में लगातार 3 गेंदें डॉट पे की कुणाल ने, कमाल की गेंदबाजी हुई। यानी कि कुणाल का खानाव 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 ओवर 8 रन और 1 सफलता आप जीतने के लिए गावदेवी खानाव क्रिकेट टीम के सामने यहां पर जीतने के लिए 5 ओवर में 51 रनों का लक्ष्य खड़ा किया, यानी कि 10.20 के अवसर से। हाँ,
शेवटचा पुकार अक्षय इलेवन कुडावे आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी जानमान नेरे जानमान वल्लभ क्रिकेट संघाला आम्ही शेवटचा पुकार देतो. तुम्हाला लगेचच आता येणं आहे, अन्यथा सामना तुमचा चार षटकांचा खेळवला जाईल असे आयोजन कमिटीच्या वतीने आमचे मित्र इथे चिंतामणी शेल्के संगम भोईर आम्हाला माहिती देतात की पुढचा सामना हा षटक संपण्याच्या आज जर नाणेफेक झाली नाहीये वल्लभ विपक्ष कुडाव्या दरम्यान तर सामना चार षटकांचा खेळवला जाईल. कारण आज आपल्याकडे दहा सामने असणार आहेत मित्रांनो, वेळेचा अभाव असणार आहे. आज नेरे क्रिकेट संघ आणि त्याचबरोबर खानाव क्रिकेट संघ वेळेवर आले, त्यांचं आयोजन कमिटीच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आलं आणि त्याचबरोबर सामना खऱ्या अर्थाने आपण प्रत्येक सामना आज चार षटकांचा खेळवला होता सेकंड राऊंडचा, परंतु वेळेवर संघ आल्याने निश्चित स्वरूपात सामन्यामध्ये आपल्याला फेरबदल करता आलं आणि हा नियम कमिटीला असतो खऱ्या अर्थाने, हा अधिकार कमिटीला असतो आणि त्या आधार अधिकाराच्या जोरावर खऱ्या अर्थाने हा सामना पाच षटकांचा खेळवला गेला. त्याबद्दल आयोजन कमिटीचं सुद्धा आम्ही कौतुक करू. ज्यावेळेस पाच षटकांचा सामना खेळवला जातो त्यावेळेस खेळाडू गोलंदाज फलंदाज यांना एक अतिशय आपला परफॉर्मन्स आपण आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळते आणि ती गुणवत्ता मात्र या दोन्ही क्रिकेट संघातील खेळाडू सिद्ध करताना आपण या विकेटवर पाहतो. तर दोस्तों चलते इस मैदान के ऊपर, सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहेंगे कि ये मैच जय गावदेवी जानमान नेरे विपक्ष गावदेवी खानाव क्रिकेट टीम के बीच में खेला जा रहा है और जानमान नेरे क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच ओवर में 50 रन ठोककर 51 रनों का लक्ष्य गावदेवी खानाव 11 क्रिकेट टीम के सामने खड़ा किया है और उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे सचिन मुंडे, सचिन दादा मुंडे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अविनाश सचिन मुंडे, बड़ी क्षमता है सचिन दादा मुंडे. गेंदबाज के लिए किरण पाटिल अनुभवी गेंदबाज है और एक तरफ हम देख रहे अनुभवी बल्लेबाज. पहली बार सर्कल के दायरे के अंदर खेली जा रही मैक्सिमम टू फील्डर्स आउट ऑफ दी सर्कल. पहली गेंद फेंकने के लिए किरण पाटिल तैयार, राइट आर्म ओवर दी विकेट, जावेद परिसर को पार करते हुए ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, ड्राइव किया, नचा कद भरा हुआ विश्वसनीय स्ट्रोक, गेंद डीप स्वेल एक सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए. हॅलो, तर खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो आपल्या विभागातली एक संघ करण घनसोलकर आंबिवली यांचा गोवा प्रीमियर लीग मध्ये खऱ्या अर्थाने ते खेळत आहेत आणि त्यांना जानमान क्रिकेट संघ पाली आणि आमचे मित्र चिंतामणी शेल्के यांच्या वतीने करण घनसोलकर तुमच्या संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा आम्हा सर्वांच्या वतीने की आपण विजयी भो. आणि या संघाला या स्पर्धेला सुद्धा करण घनसोलकर यांच्या वतीने जे गावदेवी खानाव आणि जानमान नेरे क्रिकेट संघ दोन्ही क्रिकेट संघाला शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत. पहले गेंद के ऊपर सचिन मुंडे ने कोई जल्दबाजी नहीं की, हल्के हाथों से गेंद को ग्लांस किया, ड्राइव किया था, गेंद सीधा गई, निश्चित रूप से गेंद में काफी गति थी, काफी ताकतवर स्ट्रोक था, गेंद गई डीप स्वेल सीमा रेखा के बाहर और चार रन के मदद से सचिन मुंडे अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला. टीम की रन संख्या खानाव क्रिकेट टीम की चार. ये देखिए धीमी गेंद थी और इस बार बिल्कुल ये धीमी गेंद थी, गेंदबाजी में वेरिएशन नजर आ रहा. पहली गेंद फेंकी थी मिड स्टंप पर, सचिन ने हल्के हाथों से गेंद को पुश किया था चार रनों के लिए और उसके बाद में क्योंकि वहां पर फील्डर नहीं है, पहले और सर्कल के दायरे के अंदर खेली जा रही है तो मैं उसका पूर्व फायदा सचिन मुंडे ने उठाया और दी विकेट. ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया है, गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर प्रतमेश तैयार, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, जोखिम भरा हो सकता था लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगता, निशाना चूका निश्चित रूप से और यहाँ पर बल्लेबाज को बाल बाल बचे बल्लेबाज सचिन मुंडे और दो रन के मदद से गावदेवी खानाव 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ बगैर कोई विकेट के नुकसान पे छह. सचिन मुंडे खेल रहे अभिजीत छह पर तीन गेंदों का सामना किया उसमें एक चौका शामिल. जीतने के लिए नेरे क्रिकेट टीम ने गावदेवी यहाँ पर जानमान नेरे क्रिकेट टीम ने गावदेवी खानाव 11 क्रिकेट टीम के सामने 50 रन ठोककर 51 रनों का लक्ष्य खड़ा किया प्रति ओवर 10.20 के अवसर से और उसी टारगेट का पीछा करते हुए. ये देखिए गेंदबाज अब अपने दिशा में भटके और अंपायर निश्चित रूप से जावेद परिसर का इशारा आता हुआ गेंद ऑफ टर्म से काफी बाहर अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई वाइड के रूप में अतिरिक्त रन की मदद से गावदेवी खानाव 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या 7. ये देखिए थोड़ी अपील हुई थी धीमी गेंद लेकिन तारीफ करनी होगी किरण पाटिल की भी, निश्चित रूप से इससे पहले थोड़ी स्वेर गेंद थी लेकिन आप बिल्कुल गेंद फेंकी थी थोड़ी धीमी थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, लाउड अपील जरूर हुई थी लेकिन ये गेंद पैरों के ऊपर जरूर टकरा गई लेकिन बल्लेबाज लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद थी, बॉडी लाइन पर जरूर टकरा गई, कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर. ये देखिए सचिन मुंडे ने जोरदार स्वागत किया, भव्य स्वागत किया,
यहां पर गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग वन बाउन सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर और चार रन के मदद से गांव देवी खानव 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छल्ला मारता हुआ बगर कोई विकेट के नुकसान पे 11। सचिन मुंडे खेल रहे अभिजीत दास पर दो चौके की मदद से। एक बार फिर से किरण पाटिल ये गेंद हवा में आप मौका बन सकता है डाउन दी फील्डर और कोई गलती आने की आसानी के साथ कैच को लपक लिया और बल्लेबाज सचिन मुंडे के पारी का अंत होता हुआ और ये पहला करारा झटका गांव देवी खानव क्रिकेट टीम को। थैंक्स डीजे मास्टर इथे अक्षय 11 कुंडावे क्रिकेट संघाचे संघनायक उपस्थित आहेत। तर त्यांचा प्रतिस्पर्धी जाणमान क्रिकेट संघ वल्लभ क्रिकेट संघाला मी इथे पुकार करतो की आपल्याला इथे येणंच आहे नाणेफेकीसाठी अन्यथा कुठेतरी मापदंडाला सामोरे जावं लागेल। अक्षय 11 कुंडावे क्रिकेट संघाचं आगमन झालं संघनायक तुमच्या सर्व खेळाडूंचं मनपूर्वक आम्ही अभिनंदन करतो। तर आप जानते कि सचिन मुंडे के पारी का अंत होता हुआ सचिन मुंडे अपने टीम के लिए 10 रन का योगदान देकर पहले में लौट रहे और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद गांव देवी खाना 11 क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है एक विकेट खोने के बाद 11। आउट होने बल्लेबाज है सचिन मुंडे और किरण पाटिल की यदि बात करें जानमन नेरे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से किरण पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा एक ओवर 11 रन और एकमात्र महत्वपूर्ण सफलता सचिन मुंडे के रूप में। हाँ अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई नए गेंदबाज हम देख रहे हैं सुशांत और बल्लेबाज अंपायर से गाड़ लेते हुए खेलने के लिए तैयार राकेश पाटिल। पहले दिन जिस बल्लेबाज ने इस विकेट के ऊपर कयामत का तहलका मचाया था वो बल्लेबाज राकेश। पहले दिन क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी राकेश पाटिल ने। आप वही राकेश मिडिल ऑर्डर की बात यहाँ पर वन डाउन की बात करें इनेट नंबर यहाँ पर 3 नंबर के बल्लेबाज जो टीम का होता है वो टीम का सबसे बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैच में हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के दुनिया की रन मशीन है विराट कोहली। गेंदबाज ये देखिए शानदार गेंदबाजी नजाकत भरी हुई गेंदबाजी रफ्तार वाली गेंद थी रफ्तार से बीट किया बल्लेबाज राकेश को। कमाल की गेंद फेंकी थी गेंदबाज सुशांत गायकर राउंडी विकेट मारा करेंगे राकेश पाटिल के लिए सुशांत और दी विकेट। ये देखो हल्के हाथों से गेंद को पुश किया गेंद जा रही है सिली मिड ऑफ के रीजन में लेकिन जब तक गेंद उठाए फील करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास आसानी के साथ एक रन लेने का मौका मिला। इसी एक रन के मदद से राकेश अपने पारी की शुरुआत की राकेश ने अपना खाता खोला टीम के रन संख्या बन चुके इसी एक रन के मदद से गांव देवी खाना 11 क्रिकेट टीम की एक विकेट खोने के बाद 12। अभी खेलने के लिए तैयार है नए बल्लेबाज अविनाश। ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति वल्लभ क्रिकेट टीम के कप्तान को यह अंतिम पुकार होगा कि आप शीघ्र टॉस के लिए संपर्क करें। डॉट गेंद की समाप्ति होती है बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो रही है सुशांत द्वारा गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार सामना करेंगे आक्रामक बल्लेबाज है। पहले दिन काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी अविनाश ने। ये देखो हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया शॉट स्वेयर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई एक रन आसानी के साथ दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे तेजी के साथ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आंखों में इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ दूसरा रन बटोर लिया और इसी दो रन के मदद से राकेश अपने पारी की शुरुआत करते हुए टीम के रन संख्या गांव देवी खानव 11 क्रिकेट टीम की एक विकेट खोने के बाद 14 जीतने के लिए खानव क्रिकेट टीम के सामने 51 रनों का लक्ष्य। सन्मान्य गणेश हनुमान शेलके यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आपल्या मनपूर्वक आम्ही इथे सर्च स्वागत करतो यावर स्टेजवर स्वागत आहे आपलं। सुशांत और दी विकेट अविनाश के लिए। ये देखिए अविनाश डिसाइड किया था आगे निकाल कर खेले गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात है एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है और इसी एक रन के मदद से टीम के रन संख्या 15 जीतने के लिए 51 रनों का लक्ष्य है। काफी दिलचस्प मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को इस विकेट के ऊपर देखने मिल रहा है और सुशांत भी काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए गेंद हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर पहुंच में नहीं है फुल टॉस गेंद थी और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे
तेजी के साथ दूसरा रन दोनों बल्लेबाज पूरे करते हुए, और इसी के साथ अंपायर सुनील पाटिल सर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति, एक अच्छे ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद गांव देवी खानव 11 क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुके है एक विकेट के नुकसान पे यहां पर 17। रन संख्या 17 और ईश्वर की बात करें काफी बढ़िया गेंदबाजी की निश्चित रूप से सुशांत गायकर का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा। एक और 6 रन कोई सफलता नहीं, भले उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन बिल्कुल विपक्ष क्रिकेट खाना 11 क्रिकेट टीम के बल्लेबाज को बिल्कुल बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। ओ टू डीजे मास्टर थैंक्स डीजे मास्टर। दो ओवर की समाप्ति के बाद गांव देवी खानव 11 क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है एक विकेट के नुकसान पे, हालांकि 17 आप जीतने के लिए गेंदे बची है यानी कि 18 और जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता खानव 11 क्रिकेट टीम को। लेकिन जहां तक सवाल है खानव 11 क्रिकेट टीम के होनार खिलाड़ी राकेश पाटिल और अविनाश जैसे धाकड़ बल्लेबाज है, टीम काफी सुरक्षित है। हालांकि खानव 11 क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत है निश्चित रूप से बल्लेबाजी। हालांकि सचिन ने काफी दमदार शुरुआत की थी, दो चौके दागे, थोड़ी जल्दबाजी की सचिन मुंडे ने, शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी, इनिंग्स की शुरुआत भी चौके के साथ आगाज किया था लेकिन उसके बाद में बिल्कुल आउट होना पड़ा। और सचिन आउट होने के बाद मैदान के अंदर ये दो बल्लेबाज संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे, तो मैच में काफी बड़ा मजा आएगा। दोनों टीमें काफी ताकतवर टीमें हैं, एक दूसरे की कमजोरी एक दूसरे की ताकत जानते हैं पूरी तरह से, और ये दोनों टीमें दोनों टीमों को हार मानना नहीं है, हार मानना मंजूर नहीं है। हालांकि वो दोनों टीमें जितना चाहते इस विकेट के ऊपर। तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई किरण पाटिल अपनी दूसरी और जानमान नेरे 11 क्रिकेट टीम की ओर से तीसरे ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। सामना करेंगे अविनाश खेलने के लिए तैयार। ये देखिए धीमी गेंद थी और रफ्तार से बीट किया बल्लेबाज अविनाश को, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण है, 17 गेंदें बची है और गांव देवी खानव 11 क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता। नेरे 11 क्रिकेट टीम ने जीतने के लिए विपक्ष क्रिकेट टीम के सामने 51 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है और ये लक्ष्य मेरे हिसाब से काफी बड़ा मजा आएगा इस मैच में। ये देखिए धीमी गेंद और इसी के साथ एक बार फिर से डॉट गेंद की समाप्ति। अविनाश अंपायर से कॉल कर रहे थे कि गेंद वाइड गेंद का सही इशारा कर रहे थे लेकिन अंपायर अपने गेंद के ऊपर अटल यानी गेंद पटकने के बाद अंदर की तरफ आई और नतीजा क्या हुआ, एक डॉट गेंद की समाप्ति। हालांकि क्रिकेट खेल में अक्सर आप देखते हरी कि गेंदबाज क्रिकेट में गेंदबाज के दृष्टिकोण से या डॉट गेंद देखना सबसे अहम माना जाता है और बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से साझेदारी क्रिकेट खेल में सबसे बड़ी मान यहाँ पर बड़ा यहाँ पर उपलब्धि मानी जाती है। किरण पाटिल को टीम के अविनाश के लिए इस बार अविनाश ने गेंद को ड्राइव किया, गेंद ऑन ड्राइव खेला है, एक रन मिलेगा इससे ज्यादा कुछ नहीं है और इसी एक रन की मदद से काफी भी खाना मिले बल्कि टीम की रन संख्या बन चुके एक विकेट होने के बाद 18। अभी रन और गेंदों के बीच में हम समीकरण देख रहे हैं, गेंदे बची है निश्चित रूप से 15 और 33 रन चाहिए गेंद हवा में मौका बन सकता है जीवनदान मिला राकेश जैसे धाकर बल्लेबाज को दूसरा रन पूरा करते हुए। आप इसका नाम है जब निश्चित रूप से नेरे 11 क्रिकेट टीम जानमान नेरे क्रिकेट टीम को भुगतना पड़ेगा जिस और किरण पाटिल को जीवनदान मिला उसके बाद उन्होंने दो छक्के दागे और राकेश जैसे धाकर बल्लेबाज को जीवनदान देना ये नेरे 11 क्रिकेट टीम के लिए खतरे की घंटी। टीम के रन संख्या 20 आप जीतने के लिए 14 गेंदे 31 रन चाहिए। जानमान वल्लभ क्रिकेट संघाला शेवटचा प्रकार असेल की आपण नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे। आमचे मित्र सन्मान पाटील यांचा आग्रह पूर्वक आहे सम्राट यादव क्रिकेट माझी की तयार की ते बचे निश्चित रूप से 14 और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। ये राकेश मैंने पहले कहा था लेकिन देखा जाए कि निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे कमी ने बिल्कुल जिस तरह का जीवन दाना
अंपायर सुनील पाटिल सर का इशारा था और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए, क्योंकि हमारी कमेटी है चिंता बनी शेलके ने बिल्कुल बखूबी से यहाँ पर पहचाना कि बॉडी लाइन यहाँ पर सीमा टच हुई थी गेंद और नतीजा क्या आया, चार रन। चार रन कभी कमाल की राकेट जैसे बल्लेबाज को बार बार निमंत्रण मिल रहा है और ये दमदार माना जाता है गांव देवी थाना भी नंबर क्रिकेट टीम का। रन संख्या आप 24 इस बार गिरदावा में आप यहां पर मौका बन सकता है और ये देखिए ज्यादा देर तक उन्हें अपना फायदा नहीं उठा पाए। निश्चित रूप से राकेश और राकेश की पारी की यहाँ पर समाप्ति होती हुई विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि दोस्तों रन और गेंदों के बीच में समीकरण है, रन और गेंदों के बीच में समीकरण 12 गेंद और जीतने के लिए 27 रन चाहिए। क्षेत्र में बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन कुणाल द्वारा, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक बल्लेबाज राकेश के पास एक रन लेने का मौका मिला और इसी एक रन के मदद से राकेश अपने पारी की शुरुआत करके भी टीम के रन संख्या निश्चित रूप से गांधी थाना निर्भर करके टीम की दो विकेट होने के बाद 25 आप जीतने के लिए 11 गेंद 36 रन। ये देखिए और ये देखिए अविनाश ने कमाल किया, गेंद को सीधा फेंक दिया तारा मंडल में बिना टिकट हवाई यात्रा, गेंद सीमा पार छर। हाँ थैंक्स डीजे मास्टर और इसी छह रन के मदद से जगगांव देवी खानव 11 क्रिकेट टीम
बल्लेबाज के ऊपर भी, दबाव गेंदबाज के ऊपर भी, दबाव दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी है कि दोनों टीमों को हार यहां पर मंजूर नहीं है। गेंदबाजी के लिए प्रथमेश सामना करेंगे आक्रामक बल्लेबाज संजय, और इस बार प्रथमेश अपने दिशा से भटके, अंपायर जावेद परिसर का इशारा आता हुआ, वाइड गेंद करार, बोनस के रूप में अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई, अतिरिक्त रन के मदद से खानव इलेवन क्रिकेट टीम की रन संख्या यानी कि 32, 8 गेंदे और 19 रन चाहिए। संजय पाटिल खेलने के लिए तैयार। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, डॉट गेंद थी, धीमी गेंद थी, थोड़ी बाहर थी, लेकिन अंतिम क्षणों में अंदर की तरफ आई, विकेट कीपर ने कोई गलतियां नहीं की। आप रन और गेंदों के बीच में हम समीकरण देख रहे, गेंदे बची है 7 और जीतने के लिए 19 रन चाहिए। कांटे का मुकाबला, रोमटे खड़े करने वाला मुकाबला, एक दिलचस्प सा मुकाबला बिल्कुल। ईश्वर की अंतिम गेंद संजय के लिए, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर गेंद के नीचे, और यहां पर संजय जैसे धाकड़ बल्लेबाज को जीवनदान मिलता हुआ, निश्चित रूप से इस एक रन के मदद से टीम की रन संख्या यहां पर 33 और अंपायर जावेद परिसर हमें इशारा कर 34 इशारा करते हुए ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद गावदेवी खानव इलेवन क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पे 34। थैंक्स डीजे मास्टर। अब इसी के साथ ओवर की समाप्ति, ईश्वर की बात करें तो बिल्कुल प्रथमेश ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, इस ओवर में 10 रन खर्च किए, एक बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ, जो पास लाए दूरी है, गेंदे बची है 6 और जीतने के लिए निश्चित रूप से 18 रन चाहिए। क्या मुकाबला क्या लगा था पहले दिन दोस्तों, अक्षय इलेवन कुडावे विपक्ष गावदेवी वाकड़ी क्रिकेट टीम के बीच में मैच खेला गया था, तो अक्षय इलेवन क्रिकेट टीम को जीतने के लिए अंतिम ओवर में 6 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषि ठुमरे, अंतिम गेंद तक मुकाबला आता, 2 गेंदे 12 रन यहां पर बची थी निश्चित रूप से, और लगातार 2 गेंदों के ऊपर ऋषि ठुमरे ने 2 छक्के दागे थे, और निश्चित रूप से कुडावे अक्षय इलेवन क्रिकेट टीम जो हार के कगार पर थी, तो हार को जीत में तब्दील किया था, बदल दिया था, यानी इतिहास बनता है बदलने के लिए। पहली गेंद कुणाल संजय के लिए, एक रन आसानी के साथ, दूसरे रन के लिए दौड़ने की कोशिश, और इसी के साथ निश्चित रूप से यहां पर एक रन पर संतुष्ट होना पड़ा है, टीम की रन संख्या 35, अभी जीतने के लिए 5 गेंदे 17 रन, खेलने के लिए तैयार राहुल, हम फिर से गा लेते हुए खेलने के लिए तैयार, सामना करेंगे कुणाल के गेंदबाजी का, निश्चित रूप से एक बार फिर से कुणाल और भी विकेट मारा करेंगे। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, पूरे फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, एक से काम नहीं बनने वाला है, रनों की गति बढ़ेगी, टीम की रन संख्या 36, अभी जीतने के लिए गेंदे बची है यहां पर 4 और कम पर बिल्कुल 16 रन चाहिए। यदि वापसी करने छक्का आना जरूरी है, यदि डॉट गेंद भी फेंकते हैं तो बिल्कुल नेरे क्रिकेट टीम वापसी करेगी, ये गेंद बिल्कुल निर्भर करेगी। ये देखिए आप नेरे इलेवन क्रिकेट टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी है, अंतिम 3 गेंदे बची है और जीतने के लिए 16 रन चाहिए, तीनों गेंदों के ऊपर छक्के चाहिए, चौके छक्के बिल्कुल, 2 छक्के और 1 चौका, आप मुकाबले में बिल्कुल वापसी की। खानव इलेवन क्रिकेट टीम, संजय जब तक मैदान में बड़े स्ट्रोक खेलते हैं संजय पाटिल। ये गेंद कुणाल और दी विकेट, कुणाल गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए ऑन ड्राइव खेला, आप 2 गेंदे 12 रन, कमाल की गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, आप मुकाबला बिल्कुल कुडा यहाँ पर ज्यानमान नेरे क्रिकेट टीम के ग्रिप में जाता हुआ, अभी गेंदे बची है 2 और जीतने के लिए 16 रन चाहिए, अभी भी मुकाबला बन सकता है, लेकिन अब ये कोई 9 गेंद गिरती है और उसके ऊपर छक्का आता है तो बिल्कुल मैच में वापसी करने का मौका, लेकिन अब मौका कम नजर आ रहा है। ये देखिए और इसी के साथ निश्चित रूप से गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा, बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर 6 रन, आप रन और गेंदों के बीच में समीकरण, गेंदे बची है 2, 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 10 रन चाहिए, अंतिम गेंद बची और 10 रन चाहिए, गेंदबाजी के लिए कुणाल तैयार।
शेवटचा चंडू दहा धावा कुणाल ओर दी विकेट संजय के लिए। और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति और निश्चित रूप से जानुमान नेरे क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की है। जानुमान इलेवन क्रिकेट टीम नेरे क्रिकेट टीम ने सुपर फोर में प्रवेश किया है। जानुमान नेरे क्रिकेट टीम के हार्दिक अभिनंदन और गांव देवी खाना इलेवन क्रिकेट टीम के हार्दिक आभार।